हेलो एंड वेलकम, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं टुडेज न्यूज। वंडर वुमेन 1984 ओटीटी पर होगी रिलीज। आपको बता दें कि वंडर वुमेन 1984 भारत में गैल गैडोट के फैंस फिल्म के ओटीटी पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे। अब उनका इंतजार जो है वो खत्म हो चुका है। फिल्म 15 मई को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो जाएगी, यानी कि हो चुकी है। इसे अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु समेत कुल 4 भाषाओं में रिलीज किया गया। आपको बता दें कि सुपर हीरो वाली ये फिल्म साल 2017 में आई फिल्म वंडर वुमेन का सीक्वल है। ये फिल्म डीसी स्टूडियोज ने बनाई है। ये फिल्म एक बड़े बजट की फिल्म है, जिसे बनाने में करीब 850 मिलियन डॉलर्स का खर्चा आया है। फिल्म में गैल गैडोट के अलावा क्रिस पाइन, पेड्रो पास्कल और क्रिस्टियन विग जैसे स्टार्स भी शामिल हैं। अब फैंस इस फिल्म को देख पाएंगे और ऐसे में फैन के बीच में बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट है इसको लेकर। और गैल गैडोट की इस फिल्म को 2020 दिसंबर में पूरी दुनिया में एक साथ थिएटर्स में रिलीज किया जाना था, मगर भारत में उस वक्त सिनेमाज बंद थे और जिस तरीके से आप जानते हैं कि कोविड महामारी चल रही है, तो उसके चलते अब इस फिल्म को रिलीज कर दिया गया है ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। तो अगर आपने भी इसको देख लिया है या फिर आप भी एक्साइटेड हैं इसको लेकर, अभी तक नहीं देखा है, तो आपकी जो भी राय आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज़।